झालावाड़ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष के साथ शहर के महिला पुलिस थाने में अभद्रता का मामला सामने आया है। मामले में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष के साथ उनके परिजनों और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही की मांग को लेकर एसपी ऋचा तोमर को ज्ञापन सौंपा। सारे मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकीम अब्बासी ने बताया कि वो अपने परिजनों के साथ अपनी भतीजी सबिया के दहेज प्रताड़ना के मामले को लेकर महिला पुलिस थाने पहुंचे थे, जहां पर पुलिसकर्मी उन्हें आधा अधूरा दहेज वापस लौटा रहे थे। इस पर जब उन्होंने थाने के एसआई प्रभुलाल से बात की तो उसने पूरे मामले के निपटारे और पूरा दहेज वापस करवाने की एवज में 15,000 रिश्वत की मांग की। इस मामले में जब भाजपा पदाधिकारियों ने महिला थाना सीआई बाबूलाल से इस मामले की शिकायत की तो वो इस शिकायत को लेकर भड़क गए और पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उनके साथ अभद्रता कर डाली। सारे मामले में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं और महिला परिजनों के साथ एसपी ऋचा तोमर से मिलकर कार्यवाही की मांग को लेकर परिवाद सौंपा। सारे मामले में एसपी ऋचा तोमर ने पीड़ित पक्षों को जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। ये मेरी भतीजी है सबिया। 17 दिसंबर 2023 को हमने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसके ससुराल पक्ष के खिलाफ। उसमें 20-25 दिन तक तो हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी की गई। जब मेरा छोटा भाई सत्तार वहाँ पर एसआई प्रभुलाल नागर जी से मिला तो उन्होंने 15,000 रुपये की डिमांड करी और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं आपका पूरा दहेज भी दिलवा दूँगा और जितने मूल्य में उनको अंदर भी करवा दूँगा, पूरी कार्रवाई करवा दूँगा, 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। मुझे पता चला तो मैं जब वहाँ कोतवाली पहुँचा और मैंने जब प्रभुलाल जी से और सीआई साहब से जब कहा, मैंने कि आपके नाम से इस तरह से 15,000 रुपये लड़कियों से लिए जा रहे हैं, इस लड़की का तो घर टूट गया, इसके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया और मैंने कहा आपको यहाँ पैसों की पड़ी है, तो तब उन्होंने थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। उन्होंने कहा ठीक है जाओ जाओ हम कर लेंगे। उन्हें दो महीने बाद उन्होंने आज कल संडे के दिन, जबकि संडे के दिन हम कोई किसी और की कार्रवाई नहीं कर सके, कल संडे के दिन उन्होंने इसको वहाँ कोतवाली में बुलाया। मैं और हमारे परिवार के लोग जब वहाँ दहेज लेने पहुँचे, दहेज की लिस्ट के हिसाब से जो बर्तन ठीक रहे थे वो तो उन्होंने पूरे कर दिए, लेकिन गोल्ड नहीं था उसके अंदर। हमने जब उनसे इस बात के लिए सीआई साहब से, बाबूलाल जी से और प्रभुलाल जी से जब कहा और वहाँ कॉन्स्टेबल से कहा कि आप हमें सामान पूरा कराओ और उसके अलावा इसके अंदर जो मुलजिम है वो भी यहाँ नहीं आए और एक मुलजिम जो लड़का आया ये भी यहाँ पर पार्क में और यहाँ गार्डन में और यहाँ पर घूम रहा है, इसको आपने अंदर तक भी नहीं बिठाया। इस बात को लेकर वो हमारे ऊपर भड़क गए और गाली गलौज करने लगे और प्रभुलाल जी नागर ने ये कहा कि यहीं से सीधे आप लोग जेल जाओगे और ज़्यादा चल जाओ, यहाँ से नेतागिरी मत करो, लेना है तो ये अधूरा दहेज है, नहीं तो आप लोग यहाँ से चले जाओ। इस बात की जब हमने सीआई साहब से कहा तो मैंने कहा सीआई साहब आपका आदमी हमसे 15,000 रुपये की रिश्वत मांगता रिपोर्ट करने के नाम पर, तो उस बात को लेकर सीआई साहब भड़क गए और सीआई साहब ने गाली गलौज करते हुए मेरी भतीजी को, मेरी भाभी को, मेरे भाई को, मुझे और हमारे पूरे परिवार को वहाँ कोतवाली से धक्का देते हुए, लगातार धक्का देते हुए हमें कोतवाली से बाहर निकाल दिया। ये उस प्रकरण को लेकर के आज हम यहाँ एसपी साहब से मिले थे। हमने पार्टी लेवल पर भी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ऊपर उन सबको भी सूचित कर दिया है। शायद उनको ये बात भूल गए हैं कि ये अब कांग्रेस का शासन नहीं है, ये अब ये भाजपा का शासन है जहाँ पर सब लोगों की बात सुनी जाती है। इसी बात को लेकर आज हम यहाँ पर आए थे।